हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th कंप्यूटर के अंदर चैप्टर 2 में दिए गए प्रैक्टिकल्स के बारे में। चैप्टर 2 की थियोरी के बारे में हमने लास्ट वीक देखा था, तो आज हम चैप्टर 2 में दिए गए प्रैक्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे। तो जो मेन प्रैक्टिकल्स है वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि HTML के अंदर हम इमेज फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 के सारे प्रैक्टिकल्स, जो भी मेन मेन प्रैक्टिकल्स है, वो सारे बना के मैंने यहाँ पे रेडी रखे हुए हैं। तो वन बाय वन सारे प्रैक्टिकल्स हम देखते हैं और एक्सप्लेन करके जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इमेज कैसे ऐड करें। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपके कंप्यूटर के पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जहाँ पे भी कोई इमेज फाइल पड़ी हो उसको कॉपी करो, और आप जहाँ पे भी अपनी फाइल सेव कर रहे हो वहां पे जाके क्या करो, उसको पेस्ट करके लो। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक इमेज है कि जो यहाँ पे एक रखी हुई है रेनबो वाली। तो रेनबो वाली इमेज को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, और मैंने जहाँ पे भी मेरे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे मैंने मेरी फाइल सेव की है, वहां पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी इमेज का नाम ऐसा बड़ा है, लंबा है, या फिर थोड़ा अटपटा सा है तो उसको हम रीनेम करेंगे। तो रीनेम करने के लिए इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो और रीनेम में जाकर उसको क्या करो, कोई एक नया सा नाम शॉर्ट एंड सिंपल वहां पे आप दे दो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ओके, और एंटर प्रेस करो, इमेज का नाम वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी जो फाइल दिख रही है वो ब्राउजर्स की आइकॉन वाली है, डेट मीन्स वो ब्राउजर में ओपन होगी। अगर आपको वहां पे उसको नोटपैड में ओपन करना है आपकी फाइल में, वहां पे आपको एडिट करना है, तो आप एडिट कैसे करोगे, तो पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ से ओपन विथ में जाके यहाँ से नोटपैड विंडो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नोटपैड का आइकॉन नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप चूज अनदर ऐप में जा सकते हो। यहाँ पे आप मोर आइकन पे क्लिक करो तो सारे वो एडिटेबल जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और यहाँ से नोटपैड का आइकॉन ओपन करके यहाँ से आप ओके करो, तो जो भी फाइल होगी वो HTML डॉक्यूमेंट आपको नोटपैड के अंदर दिख जाएगा। अब मैंने वहां पे अपनी जो अभी फाइल कॉपी की थी उसका नाम मैंने रखा था 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बॉडी बैकग्राउंड में जहाँ पे भी यहाँ इमेज का नाम दिया है वहां पे मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा, डेट इज 1 2 3 4 5 .jpg। यहाँ पे ऊपर आप देखो तो मैंने हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग का यूज किया हुआ है जो रिस्पेक्टिवली डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे एक सिंपली एक H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, नथिंग विल बी प्रिंटेड बट दिस लाइन विल बी सीन विद द रेनबो बैकग्राउंड्स। भले ही यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन पे है मेंशन की हुई, मैंने लिखी हुई है, मगर आउटपुट के अंदर मुझे वो एक ही लाइन के अंदर दिखेंगी। पहले स्टार्ट देखते हैं आउटपुट के अंदर। उससे पहले यहाँ पे मैंने जो थोड़ा एडिटिंग किया था तो वो एडिटिंग की वजह से यहाँ पे मुझे फाइल में जाना है, और यहाँ से मैं उसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो मेरा जो भी अपडेट मैंने किया वो पर्टिकुलरली यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और हमारा जो प्रोग्राम वन है उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम उसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम आप इंटरनेट ब्राउजर्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक इमेज आ गई और जो मैंने टैग्स लिखी थी वो टैग्स यहाँ पे आपको रेड कलर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे इमेज की साइज अगर छोटी होगी तो वो कंटेंट के मुताबिक वो अपने आप क्या होता जाएगा, वो रिपीट करता जाएगा। और अगर आपको रिपीट रोकना है या फिर फुल साइज फुल विंडो के अंदर आपको यही इमेज दिखानी है तो आप उसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो। जो सारे एट्रीब्यूट्स आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, यानी चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको इमेज के बाकी के सारे एट्रीब्यूट और सारे एलिमेंट्स के बारे में वहां पे देखना है। तो जस्ट अभी जस्ट इतना ओवरव्यू समझ लो कि यहाँ पे इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे इमेज अपनी ऐड करा सकते हो। आज का दूसरा प्रैक्टिकल हम देखेंगे HR/एलिमेंट के बारे में। तो HR/एलिमेंट क्या करेगा, वो पेज के अंदर एक हॉरिजॉन्टल आपको एक लाइन ड्रॉ करके देगा। तो चलिए इसके बारे में भी प्रैक्टिकल देख ले।
तो यहाँ पे HR/Element वाला प्रैक्टिकल्स बना के रेडी रखा है। तो सबसे पहले उसका आउटपुट देख ले। तो यहाँ पे PRG2 पे डबल क्लिक करके उसका आउटपुट देखते हैं। तो ये है उसका आउटपुट, और साथ ही में हम समझे इसका HTML कोड। तो ब्राउजर के ऊपर आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपने जो भी HTML कोड लिखा होगा हुआ होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस आप यहाँ पे उसको एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको एडिट करना हो तो आपको वहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड करना पड़ेगा, और वहाँ जाके आपको जो भी एडिट करना है वो एडिट करो, एंड बाद में यहाँ पे आप अपना एडिटेबल आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे HTML हेड और टाइटल अबाउट रेनबो लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर देख सकते हो कि अबाउट रेनबो लिखा हुआ आता है। फिर बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा HR/, डेट मीन्स एक सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल अक्रॉस लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की, फिर दिस लाइन, और फिर यहाँ पे मैंने दो बार HR/Element का यूज किया है, डेट इज दो बार मुझे लाइन देखने को मिलेगी। फिर इज ब्रोकन इन, और फिर से अगेन मैंने HR/Element का यूज किया एंड वापिस लिखा 3 parts। तो आप यहाँ पे उसका आउटपुट देखे तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अक्रॉस लाइन देखने को मिलती है, फिर दिस लाइन, फिर मैंने यहाँ पे जो दो बार HR/Element का यूज किया था तो आपको यहाँ पे दो बार वो लाइन देखने को मिलेगी, और बाद में इस ब्रोकन के बाद मैंने तीसरी बार वहां पे एक HR/Tag का यूज किया था, तो एक यहाँ पे आपको वो लाइन देखने को मिल रही है। ओके, आप यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ भी यहाँ HR/Tag का आप यूज कर सकते हो, कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है HR size is equal to 2, width is equal to 25% एंड align is equal to right side। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक 2 की साइज की एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरी स्क्रीन का 25% यानी कि उसकी विथ 25% होगी और मेरी स्क्रीन का भी 25% एरिया वो ऑक्यूपाई करेगी, और अलाइन यहाँ के राइट मैंने दी है, डेट मीन्स वो मुझे यहाँ पे राइट साइड पे वो लाइन देखने को मिलेगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे BR Tag का यूज किया है। BR क्या करेगा, वो मुझे वहां पे ब्लैंक लाइन छोड़ के देगा, यानी कि हम जैसे एंटर करते हैं तो जैसे एंटर वाला काम ये BR Tag करेगा। तो यहाँ पे मैंने जितने BR दिए डेट मीन्स वो एक एक लाइन वहां पे मुझे वो छोड़ के देगा। तो यहाँ 3 parts के बाद आप देख सकते हो इतनी बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे छूटी हुई है, डेट मीन्स हर एक BR के लिए यहाँ पे एक एक लाइन छूटी हुई है। तो अब हम बात करें, हमने जो लाइन लिखी थी वो कि the size 2 width 25 and align is equal to right करके the above line is align right and width size 2 width 25%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ right side पे 2 की size की 25% की width के साथ यहाँ पे मैंने क्या किया, line draw करके रखी हुई है। फिर से अगेन मैंने BR Tag का यूज किया, यानी कि यहाँ से वापस मुझे वो लाइन छोड़ के देगा, और नेक्स्ट मैंने वही किया HR size is equal to 5 लिखा, अब विथ 75% किया, अलाइन सेंटर किया है, और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया अपनी लाइन का, एक हेक्साडेसिमल कोड रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे वो भी देख सकते हो कि पेज के सेंटर में आपको वो लाइन ड्रॉ करके आई है, जिसकी साइज 5 की है, विथ 75% है, और मैंने जो कलर दिया था हेक्साडेसिमल कोड, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपको कलर भी देखने को मिल रहा है। और एट लास्ट लास्ट में वापिस यहाँ BR Tag, डेट मीन्स फिर से अगेन वहां पे लाइन छोड़ी गई है, और यहाँ पे लिखा हुआ HR size is equal to 10 विथ 55% अलाइन लेफ्ट, और नो शेड एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइन आ रही थी वो लाइन में कोई भी शेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, सेम वो साइज उसकी 10 की होगी, विथ 55% आएगा, और लाइन हम लेफ्ट साइड से वो लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से देखो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वो लाइन देखने को मिल रही है जो 10 की साइज की है और 55% उसकी विथ है,
तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे कोई भी टाइप का यहाँ पे शेड नहीं देखने को मिल रहा। अगर दो लाइन के बीच में हम कंपेयर करके शेड वाली लाइन और ये देखें, तो यहाँ पे आप देखो तो पूरा कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जहाँ पे हम ये वाली लाइन जो फर्स्ट हमने ली थी वहाँ पे हम देखें, जहाँ पे हमने नो शेड यूज नहीं किया था, तो आप यहाँ पे दो टाइप की यहाँ पे शेडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे वो दो कलर का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पे शेडिंग देखने को मिल रहा है। जो हमने यहाँ पे नो शेड लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे शेडिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था आपका HR स्लैश एलिमेंट और उसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट जो हमने यूज किए, जैसे कि हमने यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया, नो शेड यूज किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट यूज किया है। तो जो भी एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज किया, वो सारे एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे HR एलिमेंट की हमने टैग के बारे में हमने समझा। तो आई होप कि ये टैग और ये एलिमेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।